निराला टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और तो दोस्तों, इस वक्त रात का समय है, अंधेरा काफी घना हो चुका है और हम सुधारा के वार्ड नंबर 5 नारायण दास मोहल्ला में इस वक्त मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार का अंधेरा छाया हुआ है, कहीं पर भी आपको रोशनी नजर नहीं आएगी गली में। तो यहाँ के जो गली वासी है, मोहल्ला वासी है, अंकित अग्रवाल जी, इनसे जानेंगे कि और इसके अलावा क्या कुछ समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है। जी सर, देखिए सबसे पहले तो आप खुद ही देख लो कि हम कहाँ तक, मैं आपको दिखा के लाया, दूर दराज तक जो है गलियों में अंधेरा पड़ा है और कुत्ते घूम रहे हैं। क्या किसी बच्चे को कुत्ता काट गए, कुछ पता नहीं, बिल्कुल स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है यहाँ पे। और मेन हॉल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि ये देखो यहाँ पे मेन हॉल, सब के सब मेन होल जो है जाम पड़े हैं। आगे आइए, सारा पानी बैक मार रहा है ये अंधेरे में जो है। मैं दिन में भी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए बहुत ही खस्ता हालत हुई पड़ी है। पूरे शहर का जो है सत्यानाश हो चुका है, गलियां सारी की सारी बुरी तरह से टूट चुकी हैं। ये देखिए, कोई भी बच्चा गिर जाए इसमें, किसी का पांव टूट जाए, ये देखिए कितना बुरा हाल। एक बार खुद देख सकते हो आप, ये हमारे शहर का विकास, शहर का दृश्य है जो कि देखने लायक है। एक बार ये बहुत ही बुरी हालत में, खस्ता हालत में शहर सडोरा का वार्ड नंबर 5। आगे भी चलो, दूर तक ये इसकी कोई सीमा नहीं है। चलो मैं दिखाता हूं आपको दूर दराज तक। लाइट, सरकारी लाइट आई हुई है लेकिन स्ट्रीट लाइट कोई नहीं जल रही। मैं दिखाता हूं आपको मोड़ पर कितना बुरा हाल है। पाइप देखिए, एक मिनट, हेलो एक मिनट रुक, ये देखिए आप, नगर पालिका द्वारा जो कि पाइप डाले गए थे, तो आप खुद देख सकते हो कि इन पाइप का दृश्य है, इनकी क्वालिटी कैसी होगी, जो कि अभी 3 महीने पहले ही इनको डाला गया था, आज देखो इनको निकाला गया है। क्या हालत है इनकी, किस क्वालिटी के ये पाइप होंगे, और क्या तो ये काम करेंगे, नालियां जाम करेंगे। इनकी जो साइज है वो भी इसकी आवश्यकता के अनुसार बहुत छोटा साइज है। 8 इंची का पाइप लगाया है, बहुत ही हल्की क्वालिटी का पाइप लगाया हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए पूरे अच्छे तरीके से, कि ये पाइप की क्वालिटी कैसी है। आप आगे आइए, मैं आगे भी दिखाता हूँ आपको मेन हॉल, ये देखिए। आओ आगे आओ, सारे टूटे पड़े। ये देखिए, यहां से गाड़ी भी पूरी नहीं निकलती, गाड़ी भी नाली में गिरती है। मैं खुद इस गली से आता हूं और मेरी गाड़ी के टायर एक इधर गिरता है या एक इस मेन होल में। ये देखिए, ये गली का मोड़ है। ये देखो यहाँ का दृश्य देखो आप, कितना बुरा हाल है। ये मेन गली है सडोरा की, ये सारी की सारी नालियां मेन होल टूटे पड़े हैं, चारों तरफ से पानी ओवरफ्लो होता है। ये देखिए आगे मेन होल, देखो कहीं तो हो ना, ये देखो इधर बहुत ही खस्ता हाल, बीच बीच में ही टूट गए हैं। पाइप भी इतनी हल्की क्वालिटी की है कि हल्का है टायर गाड़ी का आता है और पाइप टूट जाता है। अभी देखिए गली का हाल,
ये देखिए और इसके अलावा अंकित अग्रवाल ने वार्ड वासियों से मुलाकात की, जनसंपर्क किया और उनकी समस्याओं को जाना कि क्या कुछ समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये वार्ड वासी खड़े हैं और अंकित अग्रवाल उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी समस्याओं को जाना कि क्या समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और इसके अलावा भी और जो समस्या है वो उन्होंने विस्तार से बताई। आप देख सकते हैं यहाँ से जो गली है मेन गली, ये सिधौरा मेन बाजार की तरफ निकलती है, भाभी ब्रांड वालों की तरफ निकलती है और ये दूसरी तरफ एक गली है और पूरा अंधेरा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। कोई स्ट्रीट लाइट इन गलियों में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है जो वार्ड वासियों ने बताया है और जो मेन होल है उनकी वजह से इनको जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है कि गलियों में पानी भर जाता है ओवरफ्लो होने की वजह से। और जो एक तरह से आप देख सकते हैं कि मॉडर्न हाई स्कूल है, यहाँ पर पानी होने की वजह से आने वाले दिनों में बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम समस्याएं इन वार्ड वासियों की है, इन मोहल्ला वासियों की है, इसको लेकर के लगातार नगर पालिका से भी गुहार लगा चुके हैं, अपने एमसी से भी गुहार लगा चुके हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन अभी तक उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेन हॉल है, और ये जो आप घर देख रहे हैं इसमें भी लगातार इसकी वजह से पानी घुस जाता है। हम आंटी जी से एक बार दोबारा से बात करेंगे। आंटी जी, किस प्रकार से यहाँ पर पानी घुसता है वो एक बार दोबारा? पानी तो बेटा जी जब बारिश हो, वैसे तो नालियों का पानी बहुत आता है गंदा, और वो नालियों का पानी दोपहर तक खत्म होता है, शाम को टूटी है दोबारा मोटरें चलती हैं, उसमें फिर ब्लॉकिंग होके पानी ऊपर से आता है। वो परसों तो थे बच्चों ने खुद लग के, ना तो कोई कमेटी वाले सुन रहे हैं, ना कोई अखबार वाला, ना कोई ये पंच वगैरह जो बने हैं, परसों बच्चों ने खुद ही, आप देख रहे हो सारी टूटी पड़ी है नाली, बच्चों ने हमारी गली के 5-7 बच्चों ने खुद नाली में नया पाइप डाला पैसों का लगा के और खुद ही सफाई करी है नाली की। वो उधर से पानी सारा इधर आ रहा है, रेक पानी का बिल्कुल नहीं बना हुआ, और बेटा वो तब थोड़ा बहुत पानी निकलने लगा क्योंकि बाथरूम में पानी भर जाता है या पायदान टिक्कर पानी है, रात को सोए होते हैं टेंशन नहीं होती है, बारिश आ रही है अंदर पानी भर गया, अब गेहूं भी रखी है, गोदरेज की अलमारियां भी रखी है, सारा नुकसान हो जाता है। तो ये उनको सुनना चाहिए कि सफाई करनी चाहिए, या आप पहले की तरह खुली नालियां बना दो, हमारा तो घर नीचे, आप रोज रोज मकान भी नहीं डालने जाते, तो इस वजह से हमारे को यही प्रॉब्लम है, या तो सफाई कराई जाए या इसका कोई सोल्यूशन कराया जाए। गंदगी में बीमारी आती है, मच्छर आते हैं, अब देखो सामने कितना पानी खड़ा है, ये बारिश का पानी, कोई निकासी नहीं है पानी की कहीं भी, आप बताओ इसका क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं हमारे पास, तो कोई सोल्यूशन नहीं। ये तो बड़े जो लोग वोटों में बने हैं या कोई कमेटी है, कोई बड़े अफसर है, उनको देखना चाहिए आके कि हम सफाई करें, जब दुनिया शिकायत कर रही है तो सुननी तो चाहिए। बाकी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं बेटे किसी से, सभी अपने बहन भाई हैं, लेकिन सफाई करानी चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे मैट गिल्ले हो जाते हैं, बारिश आती है वो यही टेंशन रहती है, कहाँ से गिल्ला हो गया, कहाँ अंदर पानी चला, देखो बैठक बिल्कुल हमारी साथ में है, पानी यहाँ दिक्कत आ जाता है, अंदर जाता है पानी, अंदर दीवान बिछे हुए हैं, क्या नुकसान नहीं होता फिर? आप ये बताओ, आप कृपा करके बस ये सफाई का करो भी, जिससे किए सफाई वगैरह रोज करनी। तो जिस प्रकार से आंटी ने बताया कि जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है तो इनके घर में पानी घुस जाता है और गली का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर अभी तक आप देख सकते हैं कि लगभग 24 घंटे पहले बारिश हुई थी और अभी तक यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा है और निश्चित रूप से इनके जो घर में पानी घुसता है कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा होता है कि कई बार इनका जो नेट वगैरह बिछे होते हैं यहाँ से उनको भी खींच कर पानी अपने साथ ले जाता है। तो ये समस्या वार्ड नंबर 5 के जो नारायणदास मोहल्ला के लोग हैं उनको फेस करनी पड़ रही है, इसके अलावा भी बहुत से लोगों को इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मेन होल है अंकित अग्रवाल के जो घर के सामने का, और
ये सभी मेन होल इसी प्रकार से बंद पड़े हुए हैं, जिसको लेकर एक गंभीर चिंता जताई जा रही है इन मोहल्ला वासियों की तरफ से। बस यही संक्षिप्त में आपको बताई दिया है कि यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये बातें तो छोटी हैं कहने को, लेकिन बातें हैं बहुत बड़ी हैं। अब देखो ना कितना लोग आ जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, गली में कुत्ता काट जे, नाली में गिर जे। सबसे बड़ी बात है कि मच्छर जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, नालियां मेन होल पूरी खस्ता हालत में है। और आपका हमारे यहाँ पर वार्ड में पहुँचने पर मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।